वहीं आज संसद के दोनों सदनों में संभल का मुद्दा जोर शोर से उठा। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने उस मुद्दे को उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ। संभल को लेकर रामगोपाल जी, अखिलेश यादव जी का कहना है कि ये सोची समझी साजिश है और जानबूझ के बीजेपी ने। अगर साजिश न होती तो सारे देश में यही चलने लगा कि नहीं चलने लगा? योजनाबद्ध तरीके से किया गया सब। क्या चुनाव को प्रभावित या चुनाव से आपने भी बोला राज्यसभा में चुनाव से ध्यान भटकाने? चुनाव से ध्यान नहीं, चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई और जिस तरह से जबरन वोट डाल दिए गए, जिस तरह से कुंदरकी में लगभग 170 बूथों पर सिंगल वोट किसी आदमी नहीं डाला, केवल पुलिस ने और बीजेपी के कुछ लोगों ने डाला, वो चर्चा होती। वो चर्चा तो मीरापुर में यही हुआ, आपने देखा, सारे लोगों ने देखा, आपके मीडिया सोशल मीडिया से लेके टेलीविजन तक सब पे चला कि किस तरह से बंदूक की नोक पे चुनाव हुआ, वोट नहीं डालने दिए गए। वो चर्चा न हो तो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। ये बहुत गंभीर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन ने जो है कत्लेआम किया वहाँ पे और प्रशासन ने जो है उत्साह दिखाया। आपने देखा नहीं कि गोली कौन चला रहा था? आई एम बीइंग जॉइंट इन बाय रामगोपाल यादव। प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा 302 का होना चाहिए, हत्या का। और इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। हम यूं ही नहीं कहते थे, संक्षिप्त में बोले अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। तो अखिलेश यादव यहां पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनका कहना था कि वहां पर लोगों को नमाज अता करने से रोका गया, पुलिस प्रशासन ने गोलियां भी चलाई और एक सर्वे हो गया था तो दोबारा सर्वे करने की जरूरत क्यों पड़ी? मुकदमा होना चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और आप भी हमारा सहयोग करो, आप भी हमारा सहयोग करो, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराइए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जिस तरीके से एक बार सर्वे जब सब करा दिए, सर्वे के पक्ष में सब लोग थे और उसके बाद दोबारा सर्वे कराने की क्या आवश्यकता थी? कौन अधिकारी थे, कौन सरकार के लोग मॉनिटर कर रहे थे, कौन सरकार के लोग दबाव बना रहे थे, तमाम पहलू हैं जिस पे सरकार को सोचना चाहिए। जाने गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जाने गई लोगों की। कैसे ये बवाल थमने वाला है, कैसे थामेंगे ये बवाल? न्याय देने लगे न्याय और जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दोषी अधिकारी अपने खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? तो जब तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी इस तरह के घटनाएं नहीं रुक सकती। यहाँ पे अखिलेश यादव आज तक से बातचीत में कहते हुए कि जब तक दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अवधेश जी, जिस तरह से लगातार संभल के मसले पर आप लोग ये मसला उठा रहे हैं, क्या एक विस्तार से चर्चा की मांग है आप लोग? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने